जाने कितने दिनों से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि DIY हर्बल नेचुरल शैम्पू घर पे खुद का खुद से कैसे बनाएं। आपको पता है जितनी भी ज्यादा नेचुरल चीजें आप यूज करते हो आपके स्किन हेयर हेल्थ हर चीज के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आपको DIY हर्बल शैम्पू घर पे खुद आप कैसे बना सकते हो वो बनाना बताऊंगी। आपको बाहर से शैम्पू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा ये शैम्पू दावे के साथ कहती हूँ आपके बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, डैंड्रफ नहीं होगा, लंबे होंगे, टूटना बंद होगा, गंजे सर पे बाल आ जाएंगे। मतलब मुझे इतना सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है अगर आप बी नेचुरल के व्यूवर्स हो तो आपको पता ही है कि ये नेचुरल चीजें आपको बालों को नेचुरली कैसे ठीक कर देती हैं। पता है कि नहीं? अगर हाँ तो इसी बात पे लाइक कर दो, अरे कर भी दो, कर दिया तो चेक कर लो सब्सक्राइब किया है ना। अच्छा बेल आइकन तो है ना ऑन। चलो ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ घर पे DIY हर्बल नेचुरल शैम्पू कैसे बनाया जाए। बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग का DIY है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, पूरी रेसिपी देखिए, फॉलो कीजिए और इसका रिजल्ट एक हफ्ते बाद आपको मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस रेमेडी को हफ्ते में दो बार ट्राई करना है और दूसरी बार ट्राई करने के बाद कमेंट करने पे आप खुद मजबूर हो जाओगे, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने इस रेसिपी पे खुद से ज्यादा भरोसा है। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, प्लीज ट्राई 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 जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घर पर खुद का DIY हर्बल शैम्पू बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो बहुत अच्छी बात है, यूज़ कर लीजिए। उसके बाद मेथी दाना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको तीन और चीज़ें चाहिए होंगी, आंवला, रीठा, शिकाकाई। किसी भी किराने की दुकान पर आराम से आपको ये मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, काफ़ी सस्ते आते हैं और बालों के लिए तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आपको इन तीनों को इक्वल भाग में एक एक कटोरी ले लीजिए और उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना दीजिए। आप इसका पाउडर यूज करेंगे, ये थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है। मेहनत कम करना चाहते हैं तो रेडीमेड पाउडर भी बाजार में आते हैं, आप रेडीमेड पाउडर भी इसका यूज कर सकते हैं। मैंने जहाँ से ये रेडीमेड पाउडर लिया है उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप खुद के लिए वहाँ से मंगवा सकते हैं। आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों काफ़ी है। ऐड ऑन करना चाहते हैं तो मेथी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बालों में डैंड्रफ है, डैंड्रफ हटाना चाहते हैं तो आप नीम भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इन तीनों के साथ, या एक्स्ट्रा शाइन बढ़ाना चाहते हैं, मजबूती, तो करी लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं तीन चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, बाकी के तीन ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों के साथ ऐड कर सकते हैं, बट ये तीनों भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आंवला, रीठा, शिकाकाई इन तीनों को इस तरीके से मैं कट कर लूँगी, जिपलॉक पैकेट में आता है, यूज़ करके रीयूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको पैकेट में डाल करके अच्छे से रख सकते हैं, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, 100% ऑर्गेनिक नेचुरल, पेस्टिसाइड नहीं है इसके अंदर, प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल सस्ते आते हैं। लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या किसी भी किराने की दुकान से खरीद के यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लीजिए। मैंने यहाँ मेथी दाना साबुत लिया है, आप चाहे तो पीस करके डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जितनी भी चीज़ें लेंगे इक्वल क्वान्टिटी में लेंगे, तो मैं यहाँ सिर्फ तीन तीन चम्मच आंवला, रीठा और शिकाकाई ले रही हूँ। आप चाहें तो एक एक कटोरी लीजिए, दो दो कटोरी लीजिए, अपने कंटेनर के हिसाब से देख लीजिए। मेरी कढ़ाई छोटी है तो मैं सिर्फ तीन चम्मच ही ले रही हूँ। इन तीनों को लेंगे, तीन चम्मच मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेथी, आंवला, शिकाकाई, रीठा। इन सब के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ये आपके बालों में प्रोटीन प्रोवाइड करता है, विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम होता है, आपके स्कैल्प के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आप नीम यूज़ करते हैं तो डैंड्रफ को भगाता है, अदरवाइज नीम ना भी यूज़ करेंगे तो भी ये आपके डैंड्रफ को हटाने में उतना ही मदद करेगा। चाहे तो आप इसके अंदर नींबू की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, आप दही भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, डैंड्रफ को हटाता है, आपके जो स्कैल्प का पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है। आप चाहें तो मेहंदी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर बालों में कलर चाहते हैं तो। वैसे तो ये नेचुरली आपके बालों को काला करता है, क्योंकि आंवला, रीठा, शिकाकाई आपके सफ़ेद बालों को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने यहाँ पर एक ग्लास पानी लिया है और धीरे धीरे इसको मिक्स कर रही हूँ और अच्छा सा पेस्ट बना दूंगी। इसके अंदर कोई लंप्स नहीं आना चाहिए, ये आपके बालों का अच्छा सा क्लिंजर होता है, विटामिन डी सी होता है इसके अंदर, आपके बालों को स्मूथ बनाएगा। आपके अगर बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो अगर रेगुलर यूज़ करोगे तो उस प्रॉब्लम को दूर करेगा। एक्स्ट्रा शाइन के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल क्लिंजर है। अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है, 4-5 बार मैं इसको बॉयल करूँगी, इसका उबाल आएगा। आप देख रहे हो ये झाग आ रहा है, ये झाग रीठा की वजह से आ रहा है, तभी तो DIY शैम्पू ये बन पा रहा है। झाग बनेगा तभी तो, मतलब झाग उतना नहीं बनेगा जितना आपका केमिकल वाला शैम्पू बनाता है, लेकिन हाँ झाग बन जाता है और क्लीन अच्छे से कर
कर देता है, बालों को सॉफ्ट बना देता है। एक रात ढक करके मैंने इसको छोड़ दिया था, अब ये अगली सुबह का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ, ये काला हो जाता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में रखा हुआ था, और ये आपके बालों को नेचुरली काला करता है। सफ़ेद बाल होना आना बंद हो जाएंगे, इसको लगाना शुरू कर दोगे तो बालों का झड़ना टूटना सब ख़त्म हो जाएगा, बाल तेज़ी से लंबे होंगे, लंबे ही होते जाएंगे बस। और आपको तो पता ही होगा मेथी, आंवला, शिकाकाई, रीठा आपके बालों के लिए कितने अच्छे हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी ले लिया है, अब यहाँ पे रुमाल ले लिया है और उसको इस तरीके से छान लूँगी मैं। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो, एज अ कंडीशनर का काम करेगा, जैसे मेहंदी लगाते हैं वैसे लगा लो। मेहंदी जैसे बालों को कलर नहीं करेगा, ये बालों को काला बनाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको छान करके निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कंडीशनर नहीं बना रही, एज अ कंडीशनर यूज़ करना है तो छानने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ एज अ शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो इसको छान करके निकालूंगी। क्योंकि अगर आप छानते नहीं हो ना, तो मैं आगे बताऊँगी कि क्या होता है। तो मैं इस तरीके से इसको मलमल के कपड़े से ऐसे निचोड़ करके इसका पूरा रस निकालूंगी, क्योंकि इसका पूरा अर्ग आ चुका है इस पानी के अंदर, जो हमने एक गिलास पानी डाला था, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया था, एक रात छोड़ दिया था ऐसे ही कढ़ाई में, तो सारा अर्ग पानी के अंदर आ गया। इस तरीके से निचोड़ कर लेंगे तो आपका DIY शैम्पू ऑलमोस्ट तैयार है। झाग देख रहे हो आप, खूबसूरत सा झाग बन के तैयार है। अभी देखो जो मैंने निचोड़ा है तो ये अंदर इतना रह जाता है, तो अगर बालों में इसको बिना छाने लगाते हो ना, तो ये बाल से ईजिली निकलता नहीं है, थोड़ी दिक्कत आती है निकालने में, लेकिन वो वैसे भी लोग लगाते हैं, पर मैं इस तरीके से लगाना पसंद करती हूँ। ऐसे लगाने से मेरे बाल जल्दी धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा ये जो मिट्टी सी इसकी रह नहीं जाती है बालों में, ठीक है। अब मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल लिया है, आप किसी भी कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर 2-3 बूंदे किसी भी एसेंशियल ऑयल की डाल दोगे ना, तो आराम से इसको आप 1 महीना स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, बाहर भी रखोगे तो भी चलेगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर बेसिकली आपको रखना है। झाग देख रहे हो, ये रीठा का कमाल है, जो इतना अच्छा झाग, ये आपका खुद का DIY हर्बल शैम्पू बन करके तैयार है। इसके अंदर पैराबिन नहीं है, टॉक्सिन नहीं है, SLS केमिकल कुछ नहीं है, खुद से आपने बनाया है घर का बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा आपका हर्बल शैम्पू तैयार है। अगर ऐसी चीज़ें खुद हम बनाते हैं ना, तो एक अलग सी खुशी होती है अपने बालों का, अपने स्किन का ध्यान खुद से DIY करके करते, तो ये प्योर DIY है, प्लीज़ इसको ट्राई करें। बाकी के यूट्यूबर्स आपको अपने बालों में लगाते हुए चीज़ें नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसको अपने बालों में भी लगा करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको दिखे फ़र्क कितना पड़ता है, और मैं अगर लगाती हूँ तो आपको और ज़्यादा विश्वास होता है, तो आपका विश्वास बना रहे, इसीलिए मैं इसको स्प्रे बॉटल से अपने बालों में इस तरीके से लगा रही हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से अपने स्कैल्प में लगा लीजिए, और मिनिमम 10 मिनट के लिए ऐसे ही अपने बालों को छोड़ दीजिए, या मैक्सिमम 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए लगा के। आप हफ्ते में 2 बार लगाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको जब भी शैम्पू करना चाहते हैं, सिर्फ इसी से शैम्पू करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ इसमें थोड़ी मेहनत तो है, वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन मेहनत में ही तो सब्र का फल मीठा आपको मिलता है। ईजी और रेडीमेड चीज़ों में उतना इफेक्टिव कहाँ रिजल्ट मिल पाता है, जो हर्बल नेचुरल चीज़ों में मिलता है, खुद की बनाई हुई चीज़ों का। तो मैंने अपने सर के ऊपर अच्छे से लगा लिया है, उसके बाद मैंने बन बना लिया है, शार्क कैप से कवर कर देंगे बालों को, उसके बाद शैम्पू कर लेंगे, और शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को एक बार सुखा लीजिए। मैं अपने बालों को सुखा करके दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट रहा है। आप देख रहे हैं मेरे बाल को अच्छे से साफ़ कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट वाला शैम्पू नहीं है तो आपके बालों को क्लीन नहीं करेगा, इसने मेरे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन किया है। शाइनी तो ऑलरेडी मेरे बाल थे, इसने और एक्स्ट्रा शाइन ऐड कर दिया है। ये आपके बालों को मजबूत बनाएगा, बाल टूटेंगे नहीं। देखो मेरे बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। किसी भी सिर्फ मार्केट के शैम्पू से मैं अपने बालों को इतना खूबसूरत नहीं बना सकती हूँ। मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं DIY हर्बल शैम्पू ज़रूर लगाती हूँ अपने बालों में, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो बना भी दी। देखो वीडियो पसंद आ रही है, मेरे DIY अच्छे लग रहे हैं, तो आपको पता है कि लाइक करना है। लाइक करना आप लोगों का दायित्व बनता है, हम यूट्यूबर्स अगर आपको ऐसी वीडियोज़ दिखाते हैं जो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो, तो इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे रिज़ल्ट बताएं, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, बताएं भी नेचुरल पे इतनी अच्छी रेमेडीज़ मिलती हैं आपको। आपकी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर हाँ तो हाँ कमेंट करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया ना, दोबारा चेक कर लो एक बार। वीडियो को जितना हो सकता है ना उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार। अच्छे बालों की चाहत सिर्फ आपकी नहीं, हर किसी की होती है, तो हर किसी के ऐसे लंबे घने बाल हो पाए, इसलिए आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, अगर हाँ तो वो भी बता दो कमेंट करके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।